आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि कानून जो पास किए जा रहे हैं वो विदाउट डिबेट्स के किए जा रहे हैं। अभी आप समझिए मीडिया के, आप लोग रुकिए, आप थोड़े दिन और रुक जाइए, आप लोगों के एक एक जो ये क्लिप आप बना रहे हैं, इस क्लिप को बनाते के साथ ही आपको PIB से पहले तो लेना पड़ेगा अप्रूवल। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। अडानी को 20,000 करोड़ रुपए दे दिए गए, खूब बढ़िया मजबूत लोकतंत्र हो रहा है, इससे और मजबूत क्या होगा आपका लोकतंत्र। ये कि एक बड़ा अधिवक्ता परिषद नाम का एक बड़ा संगठन है वकीलों का, जो भाजपा और RSS द्वारा प्रायोजित संगठन है, उसको सपोर्ट करने वाला संगठन है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको मारने के लिए लोगों के ऊपर में अटैक हो रहे हैं। आप समझिए अभी पीछे हम लोगों ने इस तरीके के पूरे मुकदमे देखे हैं, जिस मुकदमों में नाम पूछ करके इस तरीके का काम किया जाता है। इस देश के मुख्य न्यायाधीश इस बात को लेकर के गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि भाई कानून जो पास हो रहे हैं इस देश के, जो नए नए बिल लाए जा रहे हैं वो बिना चर्चा के इस देश में लेकर के आए जा रहे हैं, उससे काफ़ी 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 हद तक इस देश की जनता को एक एक बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं सोचना चाह रहे हैं? आपने कॉलेजियम का नाम लिया, कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए जी। कॉलेजियम एक अच्छा सिस्टम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमेशा रहनी चाहिए, उसको रहने से क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों आरोप लगाते हैं कि 200 परिवार इसमें है? ये देखिए जी, आरोप वगैरह लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, आप और हम पे कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं। पिछड़े कह रहे हैं और जो दलित नहीं, हमारे जज नहीं बने, खूब है जी, खूब है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई काफी 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 हाईकोर्ट में, काफी हाईकोर्ट में, और काफी आप देखेंगे काफी स्टेट्स के हाईकोर्ट में, मैं काफी पिछड़ों को और दलितों को जानता हूँ। जो देखिए इस तरीके से नाम किसी को लेना उचित नहीं होता। देखिए व्यक्ति जब उस सीट पे बैठ जाता है तो वो पिछड़ा और दलित नहीं होता, वो एक न्यायाधीश होता है। आपको आप उसको उस दृष्टि से देखिए, ना कि उसको एक कास्ट के लेंस से देखिए। आप उससे अपना आईना बढ़ाइए, उस चीज़ को समझने की प्रयास करिए, उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि एक बड़ा अधिवक्ता परिषद नाम का एक बड़ा संगठन है वकीलों का, जो भाजपा और RSS द्वारा प्रायोजित संगठन है, उसको सपोर्ट करने वाला संगठन है। इतनी बड़े हादसे के बाद कुछ जवाब नहीं आया उधर से, कोई इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। केजरीवाल साहब ने भी सिर्फ झुंझुना पकड़ा करके दे दिया, आश्वासन दे दिया हम इस तरीके का, पर इसी के ऑपोजिट आप देखिए, इसी के ऑपोजिट क्या होता है राजस्थान में, इस बात को लेके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके कानून लाया जाता है, एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाता है। उसी तरीके का पॉजिटिव स्टेप क्या हम पूरे देश में नहीं ले सकते? ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको मारने के लिए लोगों के ऊपर में अटैक हो रहे हैं, और उन्हीं अटैक्स में जो मनचले लोग होते हैं उनमें से किसी मनचले ने हमारे एक साथी, जो हमारे साथ कल तक उठते थे बैठते थे, काफ़ी हमारे साथ खुश होते थे, उनकी खुशी में हम खुश होते थे, उनके दुख में हम दुखी होते थे, उनको ऐसी एक घटना देखने को मिली। कांग्रेस के नेता क्यों विरोध करते हैं कॉलेजियम सिस्टम? नहीं देखो जी, इस बात का जो नेता विरोध करते होंगे आप उनसे जाकर के सवाल करें, इस विषय में मेरा पर्सनली मेरे को नहीं पता कि आप कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं विरोध कर रहा है। उदित राज हमेशा कहते रहते हैं, देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उदित राज जी बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी अगर कोई सोच होगी तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा, मैं उस बारे में आपको अभी कोई चीज जवाब नहीं दे पाऊंगा। देश के कानून मंत्री वो कहते हैं कि जो रिटायर्ड जज है देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं। देखिए जी, रिटायर्ड जज देश के खिलाफ क्या माहौल बनाएंगे? एक आदमी जिसके पास में अब जीवन जीने के सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, वो अपने देश को वो चीज देने चाह रहा होगा जो उसने देखा होगा, जिस जो जो पद्धति वो देख करके आए हैं। आप देखिए कि एक पूर्व में पद्धति रहती थी, जब इंदिरा गांधी जी जैसे एक कद्दावर कांग्रेस के नेता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो कर दिया, पर वो पद्धति आज कहाँ दिख रही है भैया? आज कोर्टों में जज दरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने पिछले 2 साल पहले आपको ध्यान होगा कि जजिस ने बैठ करके एक बड़ा संयुक्त मोर्चा निकाला था कि भाई डेमोक्रेसी को और जुडिशरी को अटैक किया जा रहा है, आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। अभी आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय में जज फैसला सुनाते थे, तो बीजेपी यही कह रही है कि देश का इतना बड़ा नेता राहुल गांधी एक सेशन कोर्ट ने उसका फैसला रखा, तो क्या हो गया? उसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, वो जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें क्या दिक्कत है? कमजोर कहाँ हुआ है? मजबूती तो है। नहीं, जुडिशियल सिस्टम मजबूत है, हम ये नहीं कह रहे कि मजबूत नहीं है, पर आप समझिए कि बार बार अटैक करने से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना, इसी की वजह से। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि कानून जो पास किए जा रहे हैं वो विदाउट डिबेट्स के किए जा रहे हैं, म्यूट तंत्र को हावी कर दिया गया है,
संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है हमारे कांग्रेस के नेताओं को, सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सड़क की लड़ाइयां, सड़क के बारे में भी काफी, अभी आप समझिए मीडिया के, आप लोग रुकिए, आप थोड़े दिन और रुक जाइए, आप लोगों के एक एक जो ये क्लिप आप बना रहे हैं, इस क्लिप को बनाते के साथ ही आपको पीआईबी से पहले तो लेना पड़ेगा अप्रूवल कि ये फेक है कि ओरिजिनल है, और उसके बाद अपलोड करेंगे। तो बहुत जल्दी आप लोग भी बेरोजगारों की श्रेणी में आने वाले हैं, आप लोगों के ये सारे जो आप लोगों ने बहुत मजबूती से अपनी शिक्षा लेकर के, आपने एक बड़ा मेहनत करके अपना एक चैनल बनाया है, एक अपनी मेहनत करके अपनी शिक्षा ली है, काफ़ी लोगों को जोड़ा है, इस पर भी आप आज आने वाली है, बहुत जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस बात को लेकर के एक प्रेस रिलीज दी है, एडिटर्स गाइड ने और एडिटर गाइड ने लेकर के इस चीज़ को लेकर के एक प्रेस रिलीज निकाली है, आप लोगों को शायद इस बारे में अच्छे से पता होगा। किस तरफ जा रहे हैं पूरी, हम लोग देखिए अराजकता की तरफ जा रहे हैं, इस देश को अराजकता की तरफ बीजेपी लेकर के जा रही है, हिंदू मुसलमान बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं कि भाई इस देश में शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, रोजगार का क्या स्तर होना चाहिए, दलित पिछड़ों के हकों का क्या स्तर होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए किस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए, वकीलों के लिए सुविधाएं क्या होनी चाहिए, मीडिया के कर्मियों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस तरीके की कोई सुविधा, पुलिस का डीए नहीं आ रहा। अमित शाह तो कहते हैं कि उल्टा लटका के मारेंगे दंगाई, मारो जी, बहुत अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं दंगाई को मारने में क्या बुराई है, जो दंगाई है उसे मारिए ना, ऐसे मत आइडेंटिफाई करिए ना कि आपका नाम क्या है जी, आपका नाम क्या है जी, आप समझिए। अभी पीछे हम लोगों ने इस तरीके के पूरे मुकदमे देखे हैं, जिस मुकदमों में नाम पूछ पूछ करके इस तरीके का काम किया जाता है, हाथ रोका जाता है पुलिस का और हाथ रोका जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अभी आपने देखा नहीं, चार लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी वो उसके टेनी, और आप लोग सब लोग आंखों के सामने, इस देश में कितनी अराजकता आई पड़ी है, कानून है सबके लिए एक जैसा है, तो प्रोटेक्शन है। उस तरीके के लोग जो उन चीजों को डिमांड करते हैं, उन चीजों की बातें करते हैं, उन पे अटैक होगा तो फिर आप समझिए कि फिर बचा कौन, आप लोगों की बातें रखने वाला कोई बचेगा नहीं भाई साहब, आप समझिए कि कोर्ट में वकील अटैक करने हैं सबके, कौन अफवाह, अफवाहों का क्या है, अफवाह तो कुछ भी कर लो, आपका अफवाह का क्या, अफवाहों के 1000 पैर है उसमें 4 आप जोड़ लो। पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस के साथ क्या क्या देखो, कितने किसने, हमने कुछ नहीं किया था, दिल्ली पुलिस और वो जो था वो मामला अभी अभी न्यायाधीश और उसमें एक कमेटी बैठी हुई है, वो उसमें पूरी रिपोर्ट देगी, उसमें न्याय मांग रही थी सीपी से, मांग रही होगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मांग रही, अच्छी बात है, मांग रही होगी, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उस पूरे कोर्ट के ऑर्डर है, आप उस कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। वीडियो वायरल हो रही थी, क्या वीडियो क्या वायरल हो रही थी, जो झगड़े वाली वीडियो, देखिए जी ऐसा है कि वायरल वगैरह चीजों के बारे में अपने को उस बारे में उतना कुछ ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सशक्त मजबूत है, बिल्कुल सही बात कहते हैं, उस लोकतंत्र को आप बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने बनाया है, गांधी जैसे लोगों ने उस चीज के ऊपर में अपनी अपनी मेहनत करी है, नेहरू जैसे लोग जो मजबूत लोग थे उन लोगों ने, नेहरू जी जैसे लोगों ने उसमें अपना खून पसीना बहाया है, तो सशक्त क्यों नहीं होगा, आप जैसे मोदी जी जैसे और 4-5 लोग और ये 50-100 कर रहे हैं ना, खूब मेहनत कर रहे हैं, देखिए जाइए, कल ही तो देखा आपने टाइगर को लेकर के बड़े बड़े फोटो खींचे जा रहे थे, आपने देखा नहीं, वो खूब मजबूत हो रहा है लोकतंत्र, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए किया नहीं जा रहा कि जहां पर दलितों के घर होते हैं वहां पर बड़े बड़े कार्टन लगा दिए जाते हैं कि कोई राष्ट्रपति आए, कोई लोकसभा, कोई बड़ा कोई अगर व्यक्ति आए तो उसके वो देखे ना, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। अडानी को 20,000 करोड़ रुपए दे दिए गए, सेल कंपनियों के अंदर में पैसे पड़े हुए, बताया नहीं जा रहा है कि वो पैसे किसके हैं, खूब बढ़िया मजबूत लोकतंत्र हो रहा है, इससे और मजबूत क्या होगा आपका लोकतंत्र। सवाल ईवीएम पे क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश ने बैन कर दिया है और संजय राउत भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इशू है, उस पर हम और आप क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट है, उसको अपना, मायावती जी का अपना एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, देखिए मेरी बात समझिए, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कह सकते, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, उसको देखिए मेरी बात सुनिए, वो ठीक है गलत है ये एक अलग डिबेट है, पर वो डिसीजन लेने का जो अधिकार है, आरोप आरोपों का कुछ नहीं, देखो जी सही काम कर रही है, देखिए जी ईवीएम क्या सही कर रही है कि गलत कर रही है ये डिसाइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठी हुई है, पब्लिक रिक्वेस्ट, चुनाव आयोग से आपकी कोई शिकायत नहीं, नहीं हमारी चुनाव आयोग से कोई शिकायत अगर होगी तो हम उसे लिखित में देंगे और आप लोगों को देंगे उस चीज की शिकायत का एक कॉपी, अभी है कोई या नहीं है, अभी 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 फिलहाल हमारे को, आज भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता मिलने गए, देखिए गए हैं वो अपना एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है, उस विषय में अपने को अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है तो उस पर हम प्रकाश नहीं डालना चाहेंगे।